हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुकोडेमी, एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल सर और आज का लेक्चर मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है कॉस्टिंग अकाउंट सब्जेक्ट का, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टॉपिक का लेक्चर वन मैं सिखाने जा रहा हूं। इस लेक्चर को स्पेशली फोकस करके बनाया गया है टीवाई बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए, बट ये सेम चीज टीवाई बैफ, एसवाई बीबीआई और एमकॉम वन को भी आने वाला है, बट उनको थोड़ा और एडवांस लेवल का होगा। मैंने जो लेक्चर बनाया है और ये मेरा पहला लेक्चर है इस पोर्टल पर, लेक्चर वन ऑन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी टीवाई बीकॉम सेमिस्टर सिक्स स्टूडेंट कॉस्ट अकाउंटिंग का। ये आपके लिए ही है, इसमें जो भी कुछ सिखाई चीजें सिखाई जाएगी वो टीवाई बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए ही है। इससे थोड़ा और ज्यादा एडवांस लेवल बैफ बीबीआई और एमकॉम का होता है, तो मैं ट्राई करूंगा उनके लेवल का भी जो भी कुछ है वो मैं इन लेक्चर्स की सीरीज में ऐड करता जाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इस लेक्चर को एडुकोडेमी पोर्टल से परचेज किया है। इसी तरीके से और भी लेक्चर्स आप हमारे पोर्टल से परचेज कर सकते हो। सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं, हम नोट्स भी अपलोड करते हैं जस्ट फॉर ₹10, और ये ₹10 भी आपका फ्री हो सकता है। मतलब आप फ्री में भी अगला जितना भी लेक्चर होगा या अगला जो भी नोट्स होगा वो आप फ्री में भी परचेस कर सकते हो। कैसे, उसके लिए आपको इस लेक्चर को ध्यान से एंड तक देखना होगा। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अगला लेक्चर फ्री में परचेस कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द टॉपिक इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, टीवाई बीकॉम रेगुलर स्टूडेंट, टीवाई बैफ, बीबीआई, एमकॉम वन। स्पेशली फोकस किसको किया गया है, मुंबई यूनिवर्सिटी आइडॉल टीवाई बीकॉम सेमिस्टर सिक्स स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दो वर्ड से मिलकर बना है, स्टैंडर्ड एंड कॉस्टिंग। कॉस्टिंग हम सबको पता है, ये एक अकाउंट्स का टाइप है जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालते हैं कि उसको बनाने के पीछे कितना खर्चा आया है। जब हमें पता चलता है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के पीछे सो एंड सो खर्चा आया है, कुछ भी खर्चा हो सकता है, उसमें हम हमारा प्रॉफिट का मार्जिन रखते हैं और फिर हम मार्केट में सेल करते हैं ताकि हमें प्रॉफिट मिल सके। अगर आपको आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट ही नहीं पता होगा तो आप मार्केट में किस प्राइस में उसे सेल करोगे वो उसमें भी आपको कंफ्यूजन होगा, और आपने सेल भी कर दिया आपको कितना प्रॉफिट हुआ वो भी आपको कभी पता नहीं चलेगा अगर आपने प्रॉपर कॉस्टिंग नहीं किया। तो कॉस्टिंग तो आपको समझ में आ गया कि क्यों करते हैं। नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है। एग्जाम्पल स्केल, स्केल को स्टैंडर्ड मेजरमेंट कहा जाता है। किसी भी चीज को नापने के लिए, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमें हमारे पास एक स्टैंडर्ड होता है, दैट इज स्केल। इसे स्टैंडर्ड क्यों माना जाता है, बिकॉज स्केल में जो मेजरमेंट है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, मीटर, फुट, लेंथ, जो भी है वो पूरा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, एंड दैट्स वाई दिस इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट। अभी समझो आपके घर पे एक बुक शेल्फ है, दिस इज अ बुक शेल्फ, आपको उसे मेजर करना है। तो जब आप उसे मेजर करोगे आपको मिलेगा एक्चुअल मेजरमेंट, बट एक्चुअल मेजरमेंट निकालने के लिए आपके पास स्टैंडर्ड मेजरमेंट का होना जरूरी है। इससे आपको एक क्लियर आइडिया आ गया होगा कि व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ऐसा कॉस्टिंग जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, एवरेजली हमेशा यही रिजल्ट आता है। और डीपली समझने के लिए हम समझते हैं रॉ मटेरियल। सपोज मेरे पास रॉ मटेरियल है 1 किलो गेहूं, 1 किलो वीट है मेरे पास, ओके, और मैं इस 1 किलो वीट को यूज करके 5 यूनिट्स ऑफ ब्रेड प्रोड्यूस करता हूं, मतलब मैं 5 पीस ब्रेड बना पाता हूं 1 किलो वीट को यूज करके। अब मुझे ये पता चल गया, दिस इज अ स्टैंडर्ड डेटा, कि 1 किलो का रॉ मटेरियल लाते हैं तो 5 यूनिट बना सकते हैं। अब मेरी रिक्वायरमेंट है 100 यूनिट्स की, तो मुझे कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा, मुझे 20 kg का रॉ मटेरियल चाहिए होगा। इसे मैं बोलूंगा एक्चुअल डेटा। तो मेरा एक्चुअल डेटा किस पे डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड डेटा पे डिपेंड कर रहा है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्यों करते हैं। दिस वॉज द बेसिक ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ओके। अभी आपको समझ में आ गया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, क्यों करते हैं हम लोग। अब इसके अंदर करते क्या क्या है, जिससे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड डेटा और एक्चुअल डेटा हमें मिलता कैसे है, और इस चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो हम लेक्चर में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं।